ओहो, देर हो गई उठने में। 7:30 बज चुके हैं। मेरी तो आदत है सुबह उठने की। आज ऐसा क्या हुआ जो देर तक मेरी आंखें बंद रही? रात काफी ठंडी लग रही थी। आए देखे बाहर का नजारा। अच्छा, तो ये बात है। मौसम का रुख तो चेंज है। अभी तक लग रहा है कि 5 बज रहे हैं, तभी तो मेरी आंखें देर तक बंद रही और मुझे एहसास भी ना हो कि इतना टाइम हो चुका है। लगता है सारी रात बारिश हुई है, इसीलिए मौसम भी खुशनुमा है और ज़मीन भी की मिट्टी जो है वो भी गीली गीली है, यानी कि खिली खिली सी है। हमें जल्दी से काम कर लेना है क्योंकि ये जाएंगे ऑफिस। ऐसे भी बहुत देर हो गई है। मैं फटाफट से अब मुँह हाथ धो के नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ते में क्या बनाऊंगी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो मैं उस दिन मूली लेके आई थी, तो आइए आज हम मूली का पराठा ही बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको काट लेंगे और अच्छे से छील लेंगे। पराठों में सबसे फेमस होता है आलू का पराठा, लेकिन जब सर्दी के मौसम में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, फूलगोभी हुआ, बंद गोभी हुआ, मूली हुआ, तो इसमें हम मूली का पराठा ज़रूर बना। है कोई जिसे मूली का पराठा पसंद नहीं? मेरे तरीके से बना के देखिए, ये ज़रूर आपको भी पसंद आने वाली है। इस तरह से मूली को खरूच लेना है। ये कद्दूकस हो गई, देखिए। अब हम इसे निचोड़ेंगे। निचोड़ निचोड़ के सारा पानी निकाल लें। आप चाहे तो कपड़े में डालकर और निकाल सकती हैं, जैसे आपको आसान लगे। इसका पानी थोड़ा कड़वा होता है, इसका पानी निकल जाएगा तो मूली का कड़वापन भी चला जाएगा और ये मीठा सा पराठा बन जाएगा और बेलने में भी आसानी होगी। आइए हम इसे जल्दी जल्दी इसका पानी निचोड़ लें। देखिए कितना कड़वा पानी निकल गया है बाहर। देखिए किस तरह से इसका सारा पानी निकाल दिया है मैंने और ये एकदम ड्राई हो चुका है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी नमी है, तो आप ऊपर से इसमें थोड़ा सा आटा भी डाल। मैं लेकिन नहीं डाल रही हूँ, मेरा मेरी टिक ड्राई हो गया है। सबसे पहले इसमें काली मिर्च डालिए 1.5 चम्मच, 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च, और यहाँ पर ये अजवाइन है। अजवाइन को इस तरह से अच्छा सा मसल लें और इसमें डाल, ताकि इसमें मूली के पराठा में गैस ना बने। सब कहते हैं कि मूली गैस बनाता है, तो गैस नहीं बनेगा अजवाइन से। अब डालूंगी मैं इसमें छोटे कटे हुए प्याज, जितना महीन आप काट सकती हैं तो अच्छी बात है, और साथ ही डालेंगे हरी धनिया की पत्ती। महीन कटी हुई मूली के पत्ते, तो मूली के पत्ते इसमें ज़रूर डालिएगा, इसमें न्यूट्रिशन भी होती है और इसकी जायका पराठे में और भी बढ़ा देती है। और कटी हुई हरी मिर्च इसमें डालें और हल्का सा नमक। मूली मेरे पास था 500 ग्राम, आपके पास जितना हो आप उसी के अंदाज से हर चीज़ डालिए। अब ये सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, मसल मसल दे थोड़ा सा हाथ से। ये मिक्स हो चुका है, अब इसको साइड में हम रख देते हैं और आइए अब आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। तो आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए 2 कप। मैंने यहाँ पर आटा लिया है, ये 2 कप आटा हो गया, और 2 कप मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ आटा से भी बना सकती हैं या मैदा से भी बना सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों मिक्स करके बनाऊंगी। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मंगरेला,
हाफ चम्मच के करीब लाल मिर्च और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। और नमक ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ पर 2-3 कतरा तेल भी हमें डाल देना है और इन सबको गूंद लेते हैं हम। तो आटा को खूब ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, इसमें कम पानी डाल के थोड़ा कड़ा ही बनाना है, ना खूब नरम और ना ही खूब ज़्यादा कड़ा। आटा हमने गूंद लिया है, आटा भी रेडी हो गया है गूंद के और स्टफिंग भी बन ही गया है हमारा। स्टफिंग में एक चीज़ में डालना भूल गई थी, वो है गरम मसाला। मुझे गरम मसाला बहुत ही पसंद है, मैं हर चीज़ में डालती हूँ, तो मूली के पराठा में क्यों बाकी रहे। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी 1 चम्मच के करीब डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये भी नहा के रेडी हो चुके हैं जाने के लिए ऑफिस। अब जल्दी जल्दी हम तैयार कर लेते हैं पराठे। तो सबसे पहले आइए आटा को इस तरह से हमें पेड़े बना के आटा में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और इस तरह से हमें बना लेना है। अब डालेंगे इसमें स्टफिंग, खूब ज़्यादा भी मत भरिए नहीं तो ये फटने के चांसेस होते हैं। और इस तरह से हाथ से इसको दबा दें और इसका मुंह को अच्छे से सील करते हैं। अब थोड़ा सा और सूखा आटा मैं लूंगी ना, थोड़ा सा हाथ से भी इसे हल्का सा प्रेस कर देना है। इसी तरह से मैं सारे आटे को बना के रख लूंगी और बेल लूंगी। बेलते हुए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि सबको बेलना आता ही है। तो तावा गर्म है, आइए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें तेल हो, घी हो, बटर हो, आप जैसे भी फ्राई कर सकती हैं, लेकिन मैं आज करूंगी इसे घी से। मूली का पराठा और घी, घी और मूली का पराठा, वाह, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। भरपूर घी लगाएंगे और इसे दोनों तरफ से इसे उलट पुलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी पराठों को भी बना लेंगे। सारे पराठे बन चुके हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने 4 पराठे बनाए हैं, 2 मेरे लिए और 2 मेरे हस्बैंड के लिए। और बच्चे अभी सो के उठे नहीं हैं, वो लोग उठेंगे तो फिर से मैं उनके लिए गर्मा गर्म पराठा बना दूंगी। ये फरमाइशी आज की ब्लॉग थी मेरी। किसी ने मुझे कहा था कि आप बीच बीच में ब्लॉग बनाते रहें, तो इसी तरह मैं कभी कदार ब्लॉग भी करूँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा, और पराठे आपको कैसे लगे, वो अच्छे लगे कि नहीं लगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।